हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सार्थक अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग रॉकेटटेक। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च की फॉर गूगल सर्च कैंपेन्स। बट पहले इससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है। कीवर्ड रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कीवर्ड का एक मतलब है। जब आप गूगल पे कोई भी कैंपेन, अपना सर्च कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो आप उसको कीवर्ड को ही टारगेट करते हैं या फिर सर्च टर्म्स को टारगेट करते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग्स। बट उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हर कीवर्ड का एक मतलब होता है और आपको अपने कैंपेन के लिए राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि आप अपना कैंपेन फुली ऑप्टिमाइज चला सकें फ्यूचर में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ROI और रिटर्न आ सके। तो गूगल सर्च कैंपेन्स में सबसे बड़ा पार्ट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कीवर्ड्स का। अब देखिए, हर कीवर्ड का जो मतलब है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं टारगेट कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स के जो बंदे सर्च कर रहे हैं गूगल पे, उनको अगर मैं टारगेट कर रहा हूं, तो कैसे कैसे टाइप ऑफ कीवर्ड्स हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हो सकता है, और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली हो सकता है। अब इन चारों का अलग अलग मतलब है। आप में से कुछ शायद इनको सुनते ही समझ गए होंगे कि क्या मतलब है, बट जिनको नहीं समझ आया मैं उनके लिए समझा देता हूँ। अगर डिजिटल मार्केटिंग कोई सर्च कर रहा है तो वो मे बी रिसर्च मोड में और काफ़ी ब्रॉडर वे में सर्च कर रहा है। तो हो सकता है वो आपके जो बंदे हैं सर्च कर रहे हैं, वो हो सकता है उनमें से कुछ बंदे आपके टारगेट ऑडियंस में हों और कुछ ना हो। क्योंकि जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है वो शायद सर्विसेज के लिए भी सर्च कर रहा हो सकता है, स्टडी के लिए भी सर्च कर रहा हो सकता है, और एन नंबर ऑफ रीजन अदर रीजंस के लिए भी वो सर्च कर रहा हो सकता है। अब आ जाते हैं दूसरे कीवर्ड पे, जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का क्या मतलब है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का मतलब ये हो सकता है कि वो बंदा, अब ये तो फिल्टर हो गया कि वो पढ़ना चाहता है, वो सर्विसेज के लिए सर्च नहीं कर रहा, अब वो पढ़ाई के लिए सर्च कर रहा है। बट अब पढ़ाई के लिए भी हम क्या चाहते हैं, क्या हम उसको ऑनलाइन कोर्स देना चाहते हैं या उसको हम ऑफलाइन कोर्स देना चाहते हैं, तो ये फिल्टर करने के लिए आपको और थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और लॉन्ग टेल कीवर्ड में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आ जाता है। अब इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूट में आपका ये तो हो गया कि ऑनलाइन फिल्टर आउट हो गए, अब सिर्फ बंदा ऑफलाइन पढ़ने के लिए ही जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई अकेडमी के लिए कीवर्ड रिसर्च और गूगल कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट क्या आएगा, किस कीवर्ड से आ सकता है? डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। क्यों? क्योंकि हम दिल्ली में हैं, और कोई बंदा अगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर रहा है तो मतलब वो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, फिजिकली इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना चाहता है, तो ये कर सकते हैं। या फिर हम इसी के लिए एक और सेटिंग कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करें इन स्पेसिफिक लोकेशंस। हम लोग लोकेशंस को पिन कोड से भी टारगेट कर सकते हैं, उनको वहां फिल्टर आउट करें। अब ये तो सिर्फ चार एग्जांपल हैं, बहुत मैंने आपको ब्रीफ में समझाया कि हर कीवर्ड का मतलब है, लेकिन जब आप अपने लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको ये इस गहराई में समझना पड़ेगा कि आपके कैंपेन के लिए कौन से कीवर्ड्स हैं ऐसे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब इन कीवर्ड्स को कैसे हम लिस्ट डाउन करें और कैसे हम इनको नैरो करें अपनी सर्चेस के लिए, अपने कैंपेन के लिए, इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन एक सबसे बढ़िया टूल जो है वो है गूगल का ही कीवर्ड प्लानर। इससे पहले कि मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाऊं कैसे कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, लिस्ट डाउन करना है और कैसे कीवर्ड प्लानर यूज करना है गूगल का प्रोवाइडेड, पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम अपने स्क्रीन पे। कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको अपने गूगल अकाउंट पर जाना पड़ेगा, ads.google.com अगर आप डालेंगे तो ये हमारा गूगल एड्स प्लेटफॉर्म है। इस पर साइन इन कीजिए और अपना अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। अभी आप अगर नया अकाउंट बनाते हैं तो इतने सारे ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास, बट मेरे पास हैं क्योंकि मैं बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे। अब आप किसी एक अकाउंट में मुझे जाना है, रॉकेटटेक पे चलते हैं, चलिए इसी में दिखा देते हैं आपको। तो आप ये देख रहे हैं टूल्स एंड सेटिंग्स में ऊपर जो राइट हैंड साइड में आपका टूल का बटन है, इसमें आप जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा प्लानिंग, और इसके अंदर है परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर, रीच प्लानर, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। बट आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ कीवर्ड प्लानर के बारे में। तो देखिए, अब दोस्तों यहां पे दो चीजें हमें दिख रही हैं। यहां पे एक है कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपका गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। इन दोनों का मतलब क्या है,
पहली बात ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपने कीवर्ड्स के लिए आइडियाज़ ढूंढने हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या होता है जब भी हम कोई भी कीवर्ड रिसर्च करना शुरू करते हैं, हमारे पास एक या दो कीवर्ड के आइडियाज़ होते हैं, बेसिक आइडिया, मतलब जो ब्रॉडर सेंस में कीवर्ड हो सकते हैं वो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन मैं अकेडमी का एग्जांपल लूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हो गया, ये दो आइडियाज हैं ब्रॉडर टर्म में। अब हमें इसी के आगे पीछे हमें और कीवर्ड्स भी हैं और सर्च टर्म्स हैं जो गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं, वो कैसे पता लगेगा, वो हमें डिस्कवर न्यू आइडियाज में पता लगेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, आपको लगता है कि मेरे पास 15-20-25 कीवर्ड्स हैं जो मैं खुद सोच सकता हूं और मुझे चेक करना है कि उसका कितना ट्रैफिक है हमारे गूगल पे, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए दूसरे ऑप्शन में हम लोग जाएंगे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। बट अभी पहले हम लोग करेंगे गेट न्यू कीवर्ड्स। न्यू कीवर्ड्स भी हम दो तरीकों से फिल्टर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है कि हम, जैसे मैंने बताया आपको, कि दो फ्रेजेस, दो या तीन फ्रेजेस डाल दिए और उस पर गूगल को उसके अराउंड वर्क करने दिया और गूगल अपने आप को आइडियाज देगा और अपने आप को सजेशन देगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक वेबसाइट लेके, किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट या अपनी वेबसाइट लेके उसको URL डालें, या एक वेबसाइट का एक पेज भी डालेंगे, पूरी इंटायर वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिंगल पेज भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें से अपने आप गूगल कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई क्लाइंट आया आपके पास, उसकी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है और काफ़ी टाइम से चल रहा है और उस पर SEO भी करवाएं, तो आप सीधा सीधा उन पर उसका वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाला और वो सारे कीवर्ड्स जो ये चला रहे हैं और उसके भी और सजेशंस आपको गूगल दे देगा। तो आज तो वो तो आसान वे हो गया, आज हम थोड़ा सा मुश्किल वे आपको दिखाने वाले हैं। मैं इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंटर करेंगे तो एक कीवर्ड ले लेगा वो, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये दो कीवर्ड हम लोग ने डाले और गेट रिजल्ट्स किया। तो अब देखिए यहां पे जो आ रहा है, इसमें हमें दो, ये जो पूरा स्क्रीन आपके सामने है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपके पास ऊपर जो आपने कीवर्ड्स डाले हैं वो आया है, उससे भी अगर हम ऊपर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन में इंडिया आ रहा है। अब इसको चेंज कर सकते हैं और अपनी लोकेशन डाल सकते हैं टू गेट प्रिसाइज आइडिया कि आपकी लोकेशन में कितने हैं, क्योंकि जब आप कैंपेन रन करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप पूरी इंडिया को कर रहे हैं कवर, और ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक सिटी या एक स्टेट कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ तो मेजरली मैं तो दिल्ली ही टारगेट करता हूँ, क्योंकि मैं और मेरे क्लाइंट्स दिल्ली में ही हैं मेजरली। तो अब हमने दिल्ली टारगेट कर लिया, इसको सेव कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट्स बदलने वाले हैं, इनका नंबर कम होने वाला है। अब ये सिर्फ दिल्ली के रिजल्ट्स आ रहे हैं और साथ में सिर्फ सर्च नेटवर्क गूगल के। अगर हम चाहें तो हम गूगल एंड सर्च पार्टनर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्च पार्टनर्स क्या होता है, गूगल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि उनके पार्टनर्स उनको कहलाते हैं, और वहां से भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है हमें। आप लैंग्वेज भी टारगेट कर सकते हैं, हिंदी इसमें आप डाल सकते हैं, तो इसमें अब सिर्फ हिंदी टारगेट कर रहा हूं मैं। तो ये देखिए हिंदी करते ही सब कुछ बदल गया, जीरो हो गया रिजल्ट्स। तो हम चाहेंगे कि इंग्लिश ही टारगेट करें क्योंकि हिंदी इतना पॉपुलर नहीं है इन सर्च में। पहले आप ये जो ऊपर बार देख रहे हैं, ये आपका पीछे का वॉल्यूम ट्रेंड है। आप देख रहे हैं ये अक्टूबर 2018 में ये है टोटल 424,000 सर्चेज हैं, जिसमें से मोबाइल पे सर्चेज हैं 354,000। और ऐसे आप देख सकते हैं ये नवंबर 2018 का है, ये आपका दिसंबर 2018 का है, और अब ये सितंबर रिसेंटली कितना आया है, सितंबर 2019 में 213,000 इन टोटल कीवर्ड्स का। जितने भी आपको ये 1,060 कीवर्ड्स के आइडियाज दिए हैं, इन सब का टोटल है ये। अब इसको कैसे हमने सॉर्ट करना है, कैसे हमने अपने लिए फिल्टर करना है वो देखना है। अब देखिए ये अगर आप नीचे जाएंगे तो सबसे पहले तो दो वो कीवर्ड आ रहे हैं जो कि हमने डाले थे, इनपुट डाला था वो उसका, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का और ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का। बट इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो कीवर्ड आइडियाज आपको गूगल दे रहा है वो आ रहे हैं। तो एक तो तरीका है कि आप यहीं पे इसको सब कुछ सॉर्ट कर सकते हैं, बट मैं जिस तरीके से करता हूं वो है कि हमने इनको डाउनलोड कर लिया, इन कीवर्ड आइडियाज को डाउनलोड करके एक एक्सेल फाइल में रिपोर्ट बना ली और ये डाउनलोड कर लिया CSV फाइल। तो मैंने ये सारे कीवर्ड्स अपने इस गूगल शीट में डाल दिए हैं, और अब ये मेरे को डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से कीवर्ड्स मेरे काम के हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, सबसे पहला कीवर्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें दो तरीके के लोग हो सकते हैं, कि एक तो हो सकता है जो बंदा ऑनलाइन कोर्स के लिए सर्च कर रहा है और एक हो सकता है जो ऑफलाइन कोर्स के लिए सर्च कर रहा है।
तो काफी हद तक मेरे काम का कीवर्ड है, तो इसको मैं लिस्ट करूंगा अपने काम के लिए। दूसरा है गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हमारे काम का हो सकता है क्योंकि अगेन हम पढ़ाना चाहते हैं गूगल एड्स भी, तो ये बहुत काम का है। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑनलाइन, हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं है तो हम इसको, ये हमारे काम का नहीं, बिकॉज स्पेसिफिकली लोग इसमें सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। सेकेंड, अगेन ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये भी हमारा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, इसका क्या मतलब है? स्पेसिफिक सिटी के अंदर, स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर लोग अगर सर्च कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो ऑफलाइन सर्च कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारा टारगेट वो है। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, क्या आपको लगता है कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ये कोर्सेज हम फ्री में बेच रहे होंगे? नहीं, तो इसलिए ये हमारा नहीं है। तो इसी तरीके से आपको सारे कीवर्ड्स एक बार ही गो थ्रू करने हैं और ये समझना है कि आपके लिए कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है और कौन सा कीवर्ड आपके काम का है। अब देखें, जैसे इसमें से 1,000 कीवर्ड्स में से हमने सिलेक्ट कर लिए अराउंड 33 कीवर्ड्स हम लोगों ने सिलेक्ट करे हुए हैं जो कि हमारे काम के कीवर्ड्स हैं। अब ऐसे ही आपको करना है सिलेक्ट कि कितने कीवर्ड्स आपके हैं। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं इतना ही समझाना चाहता था कि आपको कैसे कीवर्ड रिसर्च करके आपको अपनी एक इसी तरीके से गूगल शीट बनानी है। क्योंकि अब जो दूसरा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें इन कीवर्ड्स को अलग अलग एड ग्रुप्स के लिए सॉर्ट करना है और तैयार करना है। तो दोस्तों, पहले आप इन इस स्टेप तक पूरा कीजिए और अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो आएगा कि कैसे इन कीवर्ड्स को एड ग्रुप्स के लिए ग्रुप करना है और सॉर्टिंग करनी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हमारा रोल है कि हमारे एड्स का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हमारे कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो ये कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है कि कैसे हम उनको सॉर्ट कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ सीखने को मिला आज। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोस्तों वो बेल आइकन अगर नहीं चेक की भी तो उसको चेक कीजिए, आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग ज़्यादा अब पेस में वीडियो डालेंगे और आप देखेंगे कि हमारी हर एक दो दिन में वीडियो होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।